हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस ज्ञान ग्रेविटी चैनल पे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दी हुई आकृति से त्रिभुज की गिनती कैसे की जाती है। यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले मेरे हर एक वीडियो को आप देख सकें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जिसमें एक त्रिभुज की आकृति दी गई है, हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। सबसे पहले नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? देखो, यहाँ पे आकृति दे दी गई है और ये बोल रहे हैं कि इसमें कितने त्रिभुज है। ऑप्शन भी दिया हुआ है, ए बी सी और डी। जैसे कि हम सबको पता है त्रिभुज क्या होते हैं। त्रिभुज तीन भुजा से मिलकर बनी हुई एक आकृति होती है जिसमें तीन कोण होते हैं। ठीक, अब ऐसी आकृति इस पूरे दी हुई पिक्चर में, इस पीक में कितनी ऐसे त्रिभुज की आकृति बनी हुई है हमें ढूंढ कर निकालना है। तो चलिए हम लोग त्रिभुज की गिनती करते हैं। तो एक तरीका है त्रिभुज गिनने की। तो सबसे पहले त्रिभुज कैसे गिना जाता है, तो किसी भी दी हुई आकृति में सबसे पहले त्रिभुज की गिनती की संख्या हम छोटे त्रिभुज से करते हैं। जैसे कि इस दी हुई आकृति में छोटे छोटे कितने त्रिभुज हैं उनको गिनते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले छोटे त्रिभुज की गिनती करते हैं। देखिए, ये पहला हो गया, एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। कितनी त्रिभुज हो गई? छोटे छोटे त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई? नौ। ठीक, इतना ही रख लेंगे। छोटे त्रिभुज की संख्या कितनी होगी? नहीं। अब देखते हैं दो त्रिभुज एक साथ मिलकर बने हुए आकृति कितनी है। अब छोटे छोटे त्रिभुज की हम लोग गिनती कर चुके हैं, अब एक साथ मिलकर बने हुए त्रिभुज की गिनती करते हैं। चलिए देखते हैं, पहला कितना था? पहला नाइन था। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं, देखिए ये हो गया एक त्रिभुज, ये हो गया दो, और ये बीच वाला सेंटर वाला हो गया तीन। ठीक, कितने हो गए? तीन। और ये जो पूरी आकृति का भी एक त्रिभुज है, ठीक है, ये कितने हो गए? चार। और देख कहीं पे त्रिभुज बन रहा है, देखिए कहीं पर और यहाँ पे नहीं बन रहा है। ये भी सेंटर का हो गया, ले लिए चार। एक बार और गिन लेते हैं हम लोग। देखिए, ये हो गया वन, ये सेंटर का टू, ये कॉर्नर का थ्री, और ये पूरी आकृति भी एक त्रिभुज से बनी हुई, ये त्रिभुज, ये हो गया फोर। तो कितने हो गए टोटल हमारे पास? पहले थे नाइन और अब कितने हो गए? फोर। तो टोटल कितने हो गए? थर्टीन। ठीक, तो ऑप्शन में थर्टीन है कि नहीं देखते हैं। देखिए, बिल्कुल ऑप्शन में क्या है? थर्टीन है। तो इस प्रकार गिनती की जाती है। जैसे कि आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि कैसे गिनती की जाती है। आप सबसे पहले किसी भी आकृति में छोटे त्रिभुज की गिनती कीजिए, उसके बाद छोटे त्रिभुज के बाद दो दो त्रिभुज एक साथ मिलकर बने हुए हैं उनकी गिनती कीजिए। अगर आपको कहीं पे कुछ ऐसा फार्मूला है जैसे कि स्क्वायर में कितने त्रिभुज हैं, ऐसा वाला कोई अगर आपके पास फार्मूला है, तो उस फार्मूले का उपयोग आप हर जगह नहीं कर सकते, आपको गिनना ही पड़ेगा, क्योंकि पेपर में कोई जरूरी नहीं कि इसी प्रकार का है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये देखिए, अब इसमें बोल दिया गया है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इस तरह की आकृति दी हुई है। ठीक, अब इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालनी है हमें। तो चलिए सबसे पहले वही तरीका लगाते हैं, छोटे त्रिभुज की गिनती करते हैं। देखिए, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, और ये बीच वाला सिक्स। देखिए, ये त्रिभुज नहीं है ना, ये क्या हो गया? चतुर्भुज हो गया। ये भी चतुर्भुज हो गया और ये वाला ये भी चतुर्भुज हो गया। ठीक, क्योंकि ये चार भुजा हो गए, तो इसमें छोटे त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई? छः। कितनी हो गई? छः। एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। तो याद रखेंगे छः। ठीक, छोटे त्रिभुज की संख्या छः हो गई, जैसे कि हमने बताया था। अब दो त्रिभुज मिलकर बने हुए उनकी गिनती करते हैं। चलिए, अब छोटे छोटे त्रिभुज की गिनती कर चुके हैं, अब बड़े त्रिभुज की गिनती करते हैं। अब सबसे पहले बड़े त्रिभुज लेते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक की, ये हो गया एक। ठीक, अब इसी में अब ये हो गया दो। ठीक, दो हो गए। अब इधर ले लेते हैं इस वाले को, इधर को तीन। ठीक, तीन हो गए, और कहीं भी बन रहे क्या? तीन। उसके बाद ये तीन के बाद ये हो गया चार। कितने हो गए? ये चार। ठीक, चार हो गए। तो हम लोग, हमारे पास टोटल कितने हो गए? पहले थे सिक्स और अभी हो गए चार। ठीक, अब देखते हैं इधर, इधर अब इधर ले लेते हैं ये, इधर कलर चेंज कर लेते हैं इसमें ताकि पता चले। अब इधर वाले को ले लेते हैं, ये हो गया एक। ठीक, एक हो गया, और इसी में से ये हो गया दो। ठीक, और इसी में से ये हो गया तीन, और ये हो गया चार। ठीक, समझ में नहीं आया ऐसे में, फिर इसको एक बार गिनते हैं।
चलिए देखते हैं छोटे त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई थी। छोटे त्रिभुज की संख्या हो गई थी हमारे पास 6 हो गई थी। ठीक, उसके बाद चलिए इधर देखते हैं, यह हो गया 7, यह हो गया 8। ठीक, 8 हो गए। उसके बाद यह हो गया 9, यह भी एक त्रिभुज है 9। उसके बाद यह हो गया 10। ठीक, उसके बाद यह हो गया 11। ठीक, उसके बाद ये 12। ठीक, उसके बाद ये 13। ठीक, उसके बाद ये हो गया 14। ठीक, कितने हो गए 14। उसके बाद और कहीं पे बचा है क्या? हाँ, एक और बचा है, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक के 15। ठीक, टोटल कितने हो गए 15। अगर इसको आप पेन कॉपी से करेंगे तो और आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें करूँगा तो एक साथ सब हो जा रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कितना आएगा 15, आंसर कितना है 15। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगले वीडियो में फिर से आऊँगा। धन्यवाद।